हेलो वेलकम टू माय चैनल, आई होप यू गाइस मस्ट बी डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे मेरे यामाहा RX100 के बारे में। तो गाड़ी में मैंने क्या क्या चेंजेस किया है, कितना पैसा खर्चा हुआ है, मॉडिफिकेशंस में कितना पैसा खर्चा हुआ है, कलर्स में कितना पैसा खर्चा हुआ है, बाकी इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आगे तक बिल्कुल देखते रहना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप ऐसे ही फ्रेश कॉन्टेंट देख सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रंट से शुरू करते हैं। टायर्स इसमें डाला है मैंने 250x18 का टायर्स डाला है, कॉन्टिनेंटल मेट्रो का ये टायर्स है। एंड फॉक्स जो है, ये फॉक्स पूरा कलर्ड है, ड्रम असेंबली पूरा कलर हुआ है, स्पोक्स पूरा नया डाला गया है। एंड ये जो रिम है, रिम भी पूरा पॉलिश्ड है। एंड ये जो मड गार्ड है, मड गार्ड को भी क्रोम किया गया है। इसको जो बोलते हैं लेग गार्ड या फिर क्रैश गार्ड, जो भी आप बोल सकते हैं, ये कम्प्लीट रस्टेड था, इसको मैंने क्रोम करवाया है। एंड अब फिर आते हैं गाड़ी के टॉप व्यू पे। गाड़ी का ये जो स्पीडोमीटर का कंसोल है, ये वाला मैंने चेंज नहीं करवाया, ये अच्छा था इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं करवाया। एंड ये वाला जो प्लास्टिक का पार्ट है, ये यहाँ से थोड़ा सा फट गया था, तो इसको मैंने रिप्लेस करवा लिया। ये दोनों पेयर में आते हैं, तो ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा पीस है, इसको मैंने चेंज करवा दिया। तो ये जो इग्निशन का स्विच है, ये भी नया है। एंड ये फ्यूल कैप पूरा नया है, फ्यूल कैप को खोल के आपको दिखा देता हूँ, फ्यूल कैप पूरा नया है। एंड गाड़ी का अंदर का टंकी थोड़ा रस्टेड है, नॉर्मली RX100 में ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड गाड़ी को मैंने ब्लैक कलर किया है, एंड यहाँ पर वाइट कलर का स्ट्राइप्स दिया है। नॉर्मली जब गाड़ी मेरे पास आया था रेड कलर में था, एंड यहाँ पर गोल्डन कलर का स्ट्राइप्स था, तो मैंने उसको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हाई करने के लिए मैंने उसको ये नॉर्मली ये लोग सब गोल्डन कलर का स्ट्राइप्स करते हैं, मैंने इसको वाइट कलर इसलिए किया कि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हाई हो उसके। तो ये जो मोनोग्राम्स हैं, इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ये मोनोग्राम्स अच्छे ही थे, तो मैंने इसको वापस लगा लिया। एंड ये जो इंजन है, इंजन पूरा का पूरा कलर्ड है, चैसी पूरा का पूरा कलर्ड है, चैसी थोड़ा सा बेंड था। नॉर्मली ये मतलब ये इन सब RX में चैसी थोड़ा बेंड होता है, क्योंकि ये गाड़ी इतना तेज़ भागता है कि नॉर्मली ये लोग ज़्यादा एक्सीडेंट कर लेते हैं इस गाड़ी को। थोड़ा चैसी मैंने चेक किया तो चैसी में थोड़ा सा अलाइनमेंट का प्रॉब्लम था, उसको अलाइनमेंट किया गया बाद में, ठीक है। एंड ये जो पिनियन फुट रेस्ट है, फिर राइट फुट रेस्ट है, ये सब फुट रेस्ट का रबर नया लगवाया गया है। थोड़ा थोड़ा सा पार्ट्स, छोटा छोटा जो पार्ट्स है वो कम्प्लीटली चेंज है। एंड यहाँ पे जो आपको बैटरी दिख रहा है, एक साइड का बैटरी है, ये नया डाला है मैंने। एंड ये जो शॉक कैप्चर्स हैं गाड़ी का, ये जितना मुझे पता है ये गाड़ी का कंपनी का ओरिजिनल शॉक कैप्चर्स है, जहाँ आप देख सकते हैं स्कॉट लिखा है, ठीक है, ये कंपनी का ओरिजिनल कवर है। एंड ये चेन का कवर जो है, ये कम्प्लीटली कलर्ड है, नया चेन डाला है इसमें। एंड पीछे का स्पोक्स भी नया है, एंड ड्रम असेंबली भी नया है, एंड ये रिम्स कलर्ड है। ये जो टायर है, ये 2075x18 का टायर है, एंड C8 का टायर है, C8 माइलेज का टायर है ये। एंड पीछे आते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले से बोल चुका हूँ कि इंडिकेटर्स के बारे में मैं बोल चुका हूँ पहले से। एंड ये जो बैकलाइट है ये गाड़ी का, ये अल्फा टॉय का, ये कंपनी का ओरिजिनल बैकलाइट है। एंड ये जो मड गार्ड है गाड़ी का, इसको मैंने क्रोम करवाया है इसको। एंड साइलेंसर सैडली ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि मैंने जब गाड़ी खरीदा था तो यहाँ पे एक बड़ा सा डेंट था। मैंने पहले जब गाड़ी खरीदने पर सोचा कि इसको कुछ कर लूँगा, लेकिन बाद में कुछ हो ही नहीं पाया। तो मतलब जब मैंने इसको ठीक करने का कोशिश किया, तो मैकेनिक बोला का जितना भी आप ठीक कर लो, ये कुछ नहीं होगा, ये थोड़ा बेकार दिखेगा, तो मैंने इसको कम्प्लीटली चेंज करवा लिया। इसका जो मफलर है, मैंने उसको काटा नहीं है, मफलर यहाँ तक है, पूरा का पूरा बड़ा मफलर है इसमें। साउंड अच्छा आता है, लेकिन बहुत ही कम आता है, ठीक है। तो कुछ करेंगे मफलर का, अगर मैं कुछ करूँगा साउंड को इंक्रीज़ करने के लिए, मैं वीडियो डाल दूँगा। तो ये है पूरा का पूरा गाड़ी। पेपर वर्क में सब अप टू डेट है गाड़ी में। मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी का एक कॉस्टिंग का एक सेपरेट वीडियो डाल दूँगा, तो आपको एक अच्छा सा ओवरव्यू आ जाएगा कि गाड़ी में कितना कितना खर्चा होता है। देखो RX100 ऐसा गाड़ी है कि आप जितना पैसा डालोगे उतना ही ये गाड़ी पैसा लिटरली पीता है गाड़ी पैसा। तो ये था गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू। गाड़ी में जो भी छोटे छोटे सब काम थे वो सब हो चुके हैं, गाड़ी कम्प्लीटली रिस्टोर्ड है। एक वर्कअराउंड दे देता हूँ गाड़ी का।
अगर वीडियो में कुछ भी छूट गया है तो टेंशन मत लेना, मैं आगे वीडियोस में कवर कर लूँगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है या फिर गाड़ी के बारे में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना या फिर मेरे इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज करना, मैं हर एक को रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।